अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फरहीन अली सैयद विद अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ द टी। आज हम जिस बारे में टी स्पिल करने जा रहे हैं, दैट इज़ स्लाइटली सैड और कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक, जिसको हमें सोशल मीडिया पे हमने काफ़ी ज़्यादा क्लिप्स देखे और कुछ लोगों की स्टेटमेंट सामने आई। वो जो हमारे पास ज़ेर बहस टॉपिक है, वो है हमारी एक बहुत ही खूबसूरत मॉडल एंड एक्ट्रेस निम्रा खान की शादी और उसके बाद उनकी डाइवोर्स के बारे में। निम्रा खान के अगर मैं करियर के बारे में आपको थोड़ा सा बताऊं और फिर हम डाइसेक्ट करेंगे कि उनकी शादी के ख़राब होने की वजूहात, जिसकी वजह से अल्टीमेटली उनकी डाइवोर्स हुई, और डाइवोर्स के बाद जो कुछ हमें कॉन्ट्रोवर्शियल सी चीज़ें सोशल मीडिया पे देखने को मिली, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो अगर मैं आपको बताऊं उनके करियर के बारे में, तो उन्होंने अपना बैचलर्स किया फिल्म मेकिंग में फ्रॉम फेमस जो आर्ट स्कूल है, इंडस वैली स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर। तो उनका करियर जो है, दैट इज़ रिलेटेड टू हर एजुकेशन एज वेल। उन्होंने अपना एक्टिंग डेब्यू किया 2011 में, और एक उनका छोटा सा रोल था पाकिस्तानी सिटकॉम में, जिसका नाम था किस दिन मेरा ब्याह होएगा। जो मुख्तलिफ ड्रामाज निम्रा खान ने अपने करियर में आज तक किए, उनमें मशहूर ड्रामाज में शामिल हैं मेरा खुदा, साया ए दीवार भी नहीं, अलिफ अल्लाह और इंसान, कैसी खुशी लेके आया चांद, रिश्ता अनजाना और छोटी सी जिंदगी, जो कि हम टीवी पे ऑन एयर हुआ। 2016 में निम्रा खान ने अपनी एक डेब्यू मूवी की ब्लाइंड लव। इसमें उन्होंने एक अंधी लड़की का किरदार अदा किया ऑपोजिट यासिर शाह, मतीरा और इमरान बुखारी। इसी साल उन्होंने एक और पाकिस्तानी मूवी की जिसका नाम था साया खुदाए जुलजलाल। अब अगर हम उनके करियर सेलिब्रेशंस के बाद उनकी शादी पे एक नज़र दौड़ाएं, तो 2020 में ड्यूरिंग द लॉकडाउन हमें खबर सुनने को मिली सोशल मीडिया पे कि निम्रा खान ने एक प्राइवेट सेरेमनी में शादी कर ली है। ये शादी 19 अप्रैल को उनके बिल्कुल क्लोज फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ हुई। निम्रा खान ने अपनी शादी की तस्वीर जो थी वो इंस्टाग्राम पे शेयर की और अपने हस्बैंड से इंट्रोड्यूस करवाया, जिनका नाम है राजा, अपने एक्स हस्बैंड अब, जिनका नाम था राजा इफ्तिखार आजम। उन्होंने बताया कि ये एक 36 साल पुलिस ऑफिसर हैं लंदन में। इसके साथ ही उन्होंने कैप्शन में ये भी बताया कि ये एक टोटली अरेंज्ड मैरिज थी, और जो राजा इफ्तिखार आजम हैं वो उनके पेरेंट्स के दोस्त के बेटे हैं। ऐसा कहा जाता है और ख़बरों में आया सोशल मीडिया पे डिफरेंट आउटलेट्स में कि उनका एक बहुत ही स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप था, एक बहुत ही मुश्किल रिलेशनशिप था अपने हस्बैंड के साथ सिंस द बिगिनिंग ऑफ देयर मैरिज। सितंबर 2020 में एक्ट्रेस निम्रा खान ने एक तस्वीर पोस्ट की जिसमें उनके चेहरे पे ब्रूजेस देखे जा रहे थे, उनके ज़ख्म थे और वो बहुत बुरी तरह से इंजर्ड थी। इस तस्वीर को उन्होंने एक बहुत ही होपफुल कैप्शन के साथ पोस्ट किया और उन्होंने रीज़न ये दी कि वो सीढ़ियों से गिर गई थी। स्टेयर्स पे मेरा कारपेट रिप्ड हुआ है, उस पे मेरा पांव फंसा और मैं मुंह के बल गिरी हूँ। जो कैप्शन उन्होंने दी, अगर मैं उसको रीड करूँ, तो दैट सेज एज लॉन्ग एज यू आर जेन्युइनली थैंकफुल फॉर द थिंग्स दैट यू हैव, यू विल बी हैप्पी। एक बहुत ही हॉलनाक तस्वीर के साथ उन्होंने बहुत ही होपफुल और बहुत ही खूबसूरत कैप्शन डाली। द सैड पार्ट इज के अगस्त के शुरुआत में निम्रा खान जो है वो एक टॉक शो पे आई, नुमान एजाज जिसे होस्ट करते हैं जी सरकार। इस शो में जो को होस्ट थी फातिमा, उन्होंने एक्ट्रेस से ये सवाल किया कि उन्होंने अपने इंस्टाग्राम से अपनी सारी तस्वीर जो उनके एक्स हस्बैंड के साथ थी वो क्यों डिलीट कर दी। निम्रा खान इस सवाल से वाज़े तौर पे काफ़ी अनकंफर्टेबल नज़र आई और उन्होंने होस्ट से ये रिक्वेस्ट की कि इस सेंसिटिव टॉपिक को डिस्कस मत किया जाए, क्योंकि उनकी ज़िंदगी से रिलेटेड है और वो इस बारे में कमेंट नहीं करना चाहेंगे। नुमान एजाज ने इस सवाल को थोड़ा बदल कर पेश किया, तो उन्होंने इसका ये जवाब दिया कि सेलिब्रिटी कपल्स को अपनी पर्सनल लाइफ्स के बारे में इतना ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होना चाहिए सोशल मीडिया पे। उन्होंने कहा कि ये जो एक्सप्रेशन है सोशल मीडिया पे, ये एक बड़ी वजह है ब्रेकअप्स की इन द एरा ऑफ डिजिटल मीडिया। रिश्तों की नुमाइश नहीं करनी चाहिए, ये उनके अल्फाज थे जी सरकार टीवी शो पे। लेकिन जो एक उसकी बहुत अच्छी बात थी कि उन्होंने अपने रिलेशनशिप की टूटने का तो जिक्र ही नहीं किया, लेकिन उन्होंने इसकी कोई तौजीह देना पसंद नहीं किया और वो इस बारे में बिल्कुल खामोश रही। कंप्यूटर भी बड़ा फास्ट हो गया, बहुत जल्दी दिख जाता है जो बुरा करता है वो भी, जो अच्छा करता है वो भी। हाँ ऐसे ही है। लेकिन इसी जो स्पेकुलेशंस किए जा रहे थे इस बारे में, एक इंस्टाग्राम लाइव सेशन में
निमरा खान के जो एक्स हस्बैंड हैं उन्होंने बहुत मुंह खोल के और बहुत कहना चाहिए कि एक बदतमीजी से इस बात की कंफर्मेशन दी कि उनकी डाइवोर्स हो चुकी है विद निमरा खान. ही सेड वी आर डाइवोर्स्ड, आई डाइवोर्स्ड हर बिकॉज आई वांटेड टू, आई गॉट रिड ऑफ हर, शी वॉज अ हेडेक, शी वॉज अ प्रॉपर हेडेक. ये अल्फाज थे निमरा खान के हस्बैंड के, एक्स हस्बैंड के, उनके बारे में. उन्होंने कहा कि मैंने उन्हें डाइवोर्स किया क्योंकि मैं चाहता था, मैंने उन्हें इसलिए डाइवोर्स किया क्योंकि वो एक सर दर्द थी, वो एक बाकायदा सर दर्द थी मेरे लिए. वीडियो में देखा जा सकता है कि आज़म खान जो थे वो ड्रंक थे और वो थ्रू आउट द लाइव वीडियो स्मोकिंग कर रहे थे. इस जो उनकी हरकत है इसने जितने व्यूअर्स थे, फैंस थे, उनको काफ़ी ज़्यादा शॉक में डाला. ना सिर्फ उनकी कंफर्मेशन के बारे में बल्कि जिस तरह से उन्होंने निमरा खान की तज़लील की और जिस तरह उन्होंने एक डिमीनिंग तरीके से उनके बारे में कमेंट्स दिए. जब ये सारा एपिसोड हुआ और उनकी कंफर्मेशन आई, निमरा खान की हमें फिर भी उनकी तरफ से कोई कमेंट नहीं नज़र आया, ना सोशल मीडिया पे ना कहीं और. लेकिन उनकी जो अच्छी बात यह है कि उनके जो फेलो स्टार्स थे दे केम अप टू द डिफेंस और नौशीन शाह और मतीरा ने कुछ उनके डिफेंस में कमेंट्स दिए. नौशीन शाह ने इंस्टाग्राम पे कुछ शॉकिंग डिटेल्स रिवील की जिसमें उन्होंने निमरा खान के एक्स हस्बैंड के बारे में पोस्ट किया और उन्होंने कहा कि आई एम सॉरी लेकिन नो मोर साइलेंस, जो उनकी वीडियो उनके एक्स हस्बैंड ने रिलीज़ की है. और उन्होंने ये भी बताया कि वो निमरा के घर उन्हें इनवाइट किया गया था जहाँ पे वो मिली उनके एक्स हस्बैंड से और उनकी मदर से, और उनके एक्स हस्बैंड को एक ड्रिंकिंग प्रॉब्लम है कि वो बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल और अब्यूजिव हैं हमेशा से. नौशीन शाह ने बताया कि निमरा खान ने अपनी लेवल बेस्ट ट्राई की कि उनकी शादी जो है वो कामयाब रहे और किसी तरह चल जाए, लेकिन वो बहुत खुश हैं कि फाइनली उन्होंने अपने लिए स्टैंड लिया और वो शादी से बाहर आ गई क्योंकि उनकी शादी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक थी. दूसरी तरफ मतीरा ने ये बयान दिया कि आज़म जो राजा आज़म हैं वो सिर्फ अटेंशन और स्पॉटलाइट चाहते हैं, इस वजह से उन्होंने इस तरह के कंट्रोवर्शियल कमेंट्स पास किए निमरा खान और अपनी शादी के बारे में. हमने कुछ अर्सा पहले देखा कि निमरा खान जो हैं वो हॉस्पिटलाइज हो गई थी अपने हेल्थ इश्यूज़ के बारे में, उनके यूरेथ्रल स्टोन्स थे. उन्होंने कहा कि वो बहुत तकलीफ में हैं और अपने फैंस एंड फॉलोअर्स से अपील की कि वो उनके लिए दुआ करें और हो सकता है कि उन्हें सर्जरी की ज़रूरत पड़े. अभी सोशल मीडिया पर हमें एक और वीडियो देखने को मिली जिसमें उन्होंने बहुत ही एक इमोशनल तरीके से अपने एक्सप्रेशन का इजहार किया और उन्होंने ये बताया, ये रिक्वेस्ट की अपने तमाम फैंस और फॉलोअर्स से कि अगर आपको शादी में कोई मसला है, किसी किस्म की सपोर्ट है, तो आप अपने पेरेंट्स से ज़रूर कम्युनिकेट करें इंस्टेड ऑफ़ कि आप बर्दाश्त करते रहें और अंदर ही अंदर जलते कुरते रहें. उन्होंने कहा कि अ डाइवोर्स डॉटर इज़ बेटर देन अ डेड डॉटर, और उन्होंने अपने कुछ स्ट्रगल्स के बारे में हिंट करते हुए ये भी बताया कि शी इज़ वेरी ग्लैड शी स्टेप्ड आउट ऑफ इट, और उन्होंने ज़िंदगी में जो कुछ बर्दाश्त किया और उस शादी के दौरान जो कुछ बर्दाश्त किया, that is definitely lesson worthy. उससे उनके fans and followers को lesson लेना चाहिए और stand up करना चाहिए against domestic violence and abuse and emotional and physical abuse. मेरी तबियत के अलावा जो भी बातें चल रही हैं मैं प्लीज़ उस बारे में बात नहीं करना चाहती, थोड़ा भी सीखने को मिल रहा है ना तो सीख जाएं. हम उम्मीद करते हैं कि निमरा खान जो हैं वो जल्द अज़ जल्द सेहतियाब हो जाएं और उसके बाद वो इस ट्रॉमा से बाहर आ सकें और इस बात का ज़्यादा सोशल मीडिया पे हमें चर्चा देखने को ना मिला. शी हैज़ बीन एक्सट्रीमली वाइज कि उन्होंने इस बारे में कुछ भी इस तरह का कॉन्ट्रोवर्शियल बयान नहीं दिया और वो उन्होंने बिल्कुल एक खामोशी जो है वो अख्तियार की इस बारे में, क्योंकि जो कि उनकी तरफ से एक बहुत वाइज डिसीजन था क्योंकि वो ये नहीं चाहती थी कि सोशल मीडिया पे उनकी इस बात का मजाक बने, या उनसे जब पूछा भी गया तो उन्होंने इस बात को बहुत खूबसूरती के साथ बिल्कुल शट डाउन कर दिया. लेकिन क्योंकि उनके एक्स हस्बैंड के बहुत डेरोगेटरी रिमार्क्स आए उनके बारे में, तो और फिर भी उनके जो फेलो एक्ट्रेसेस और मॉडल्स थी उन्होंने उनके बिहाफ पे डिफेंस में बोला. सो उम्मीद करते हैं दैट देयर आर लॉट ऑफ happiness and blessings for her in the future life. That was the tea for today. Let us know in the comments what you think about it, and we will see you next week with a brand new episode of the tea. Bye bye.